Assalamualaikum dear students my name is Syed Arif Hussain and today we are going to discuss the basics of AutoCAD in today's lecture we'll see initially the definition of AutoCAD and then the abbreviations of AutoCAD कि आटो कैड के जो कैड वर्ल्ड है इसके डिफरेंट एब्रीवेशन क्या हैं एंड देन विल सी दी हिस्ट्री ऑफ आटो कैड आटो कैड की ओवरऑल हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव एवेल्युएशन टिल द टाइम क्या हुई है एंड देन विल सी दी एप्लीकेशन ऑफ आटो कैड कि कैड सॉफ्टवेयर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड देन विल सी द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ आटो डेस्क आटो डेस्क जो कि एक पेरेंट ऑर्गनाइजेशन है आटो कैड की उसके और भी प्रोडक्ट्स हैं तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद हैं और उसको वो कैसे यूज़ कर रहे हैं

ऑटो कैड जो है इट इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ इन इन वाइड इंडस्ट्रीज अगर आप बात करते हैं आर्किटेक्चर की आप बात करते हैं टाउन प्लानिंग की अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटीरियर डिजाइन सो डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर इस टाइम आटो कैड को यूज किया जा रहा है तो ऑटो कैड की कैड नाउ द क्वेश्चन इज द एब्रीवेशन ऑफ आटो कैड तो कैड बेसिकली जो है इट स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राफ्टिंग इसको हम डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं और ड्राफ्टिंग इसके साथ एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं दैट इज सी ए डबल डी इनिशियल सी ए डी एंड सी ए डी डबल डी मीन्स इट इज डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एज वेल इट इज बेसिकली टू डी एंड थ्री डी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वी कैन क्रिएट सम समू डी स्ट्रक्चर एज वेल एंड वी कैन इवन क्रिएट सम बिगर थ्री डी स्ट्रक्चर्स एज वेल इसके बाद अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की इट वॉज स्टार्टेड बैक इन नाइनटीन सेवनटी सेवन सेवनटी सेवन के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया 79 और 82 के अंदर ऑटोडेस्क ने इसका फर्स्ट फॉर्मल वर्जन जो है वो रिलीज किया गया ऑटो कैड की इन्वेंशन से पहले द ड्राइंग्स वर मैनुअल एज इट इज क्लियर फ्रॉम द दब्रीवेशन दैट इट इज कंप्यूटर एडिड अब इसके अंदर हम वी आर यूजिंग कंप्यूटर बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ ऑटो कैड इट वॉज मैनुअल ड्रॉइंग अगर आपको सामने ये ड्राॅइंग नजर आती है तो इस ड्रॉइंग के अंदर आप देखें बहुत ज्यादा मैन uh, पावर उस वक्त रिक्वायर्ड होती थी जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोग एक सिंगल ड्राॅइंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट स्टिचिंग हो रही है ड्राॅइंग्स के अंदर बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कैड ये सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो गया क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर का यूज आ गया और कंप्यूटर का यूज के आने के साथ इसकी एफिशंसी और प्रिसीजन में इजाफा हो गया अब ये डिफरेंट आपके सामने जो है वो हम आइकॉन्स देख सकते हैं ये विद पैसेज ऑफ टाइम्स राइट फ्रॉम 82 टू टिल टाइम जो वन बाय वन हमने प्रोडक्ट्स रिलीज की हैं उसके साथ साथ उनके डिफरेंट आइकॉन्स हैं टिल टाइम तो ये इनका वर्जन है जिसके साथ हमने इसको इवॉल्व किया है एंड दीज आर एल अगेन डिफरेंट आइकॉन्स इसमें 2016 जो कि हम अभी यूज करने जा रहे हैं उसका आइकन भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट 2018 के आइकॉन्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं सो एप्प्लीकेशन जो हैं कैड की राइट एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर हमने देखा वो बहुत ज्यादा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स uh, में डिफरेंट डिसिप्लिन में इसको यूज किया जा रहा है आर्किटेक्ट्स वो इस सॉफ्टवेयर को डिजाइनिंग के अंदर यूज कर रहे हैं एक्सटीरियर के अंदर भी और इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है टाउन प्लानर्स जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर को मेनली स्कीम डिजाइन के अंदर यूज कर रहे हैं जैसा कि आपके सामने एक स्कीम डिजाइन नजर आ रहा है इसके साथ टाउन प्लानर्स यूज कर रहे हैं

डिफरेंट एप्लीकेशन आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल गूगल करें आप तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे इट्स की इसकी वाइड एप्लीकेशन है इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इफ यू टॉक अबाउट एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो इट इज़ बींग यूज इन वायरिंग इसको हम डिफरेंट एलेक्ट्रिकल में क्योंकि इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वायरिंग के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनर इसको इनर डिज़ाइन के लिए कैड को यूज़ कर रहे हैं फिक्सचर प्लेसमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम जब एक हाउस डिज़ाइन करते हैं तो इट हैज मैन्यूफिक्चर्स उसके अंदर उसके चेयर्स uh, की प्लेसमेंट टेबल की प्लेसमेंट्स ईच एंड एवरी थिंग इंटीरियर के फिक्सचर्स की जब हम बात करेंगे उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है ऑलमोस्ट इसकी बहुत ज़्यादा और डाइवर्स एप्लीकेशन यू विल सी इन इन एवरी फील्ड एंड दिस इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड तो ये सामने जो आपको पिक्चर नजर आ रही है अगर हम कंबाइन करें इन सारी फील्ड्स को राइट फ्रॉम सिविल टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर तो ये पिक्चर के अंदर सारी फील्ड्स को समराइज़ करके इसकी एप्लीकेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे अगर हम आगे मूव करें एडवांटेजेस uh, की तरफ के यूजिंग ऑटो कैड कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो ऑटो कैड को दूसरे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी की और क्वालिटी ऑफ ड्राइंग्स इसके अंदर जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं इस टाइम एक बेसिक हाउस प्लान से लेकर एक मल्टा स्टोरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जब जहाँ तक आप देखेंगे आपको कैड की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नजर आएंगी एंड वन ऑफ़ दी मेन एडवांटेजेज़ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि इसके अंदर से जब हम जो ड्राइंग निकालेंगे जब वो बाहर आएगी उसकी जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है वो बाकी सॉफ्टवेयर से क्वाइट डिफरेंट और क्वालिटी uh, वाइज ये बेटर होगा सेकेंड अगर हम बात करें जो मेन एडवाटेज uh, है कैड यूज करना दैट इज़ दैट इज़ द प्रिसजन एंड एक्यूरेसी ऑफ ऑटो कैड इवन बहुत सारे हमारे पास जो लेटेस्ट स्पेशल प्लानिंग के सॉफ्टवेयर भी आए हुए हैं उनके ऊपर हम प्रेफर करते हैं ऑटो कैड कैड को बिकॉज इट हैज मोर एक्यूरेसी एंड एज कंपेयर टू अदर के अंदर जैसे कि हमने पहले बताया कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहे वो एक 50 स्टोरी प्लाजा ही क्यों नहीं है उसकी भी हम इजीली और बहुत बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ ड्राइंग बना सकते हैं और इट इज अ काइंड ऑफ लाइट सॉफ्टवेयर ये कोई इतना बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर भी नहीं है और इसके अंदर पर्टिकुलरली जब हम लेयर्स फॉर्मेशन पे चले जाएंगे जब हम आगे जाके जिन टॉपिक्स में बात भी करेंगे तो लेयर्स फॉर्मेशन में जब हम जाएंगे तो लेयर्स इस काम को और लाइट कर देती हैं इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स को हम डिफरेंट लेयर्स में बना देंगे सो सो कट शॉर्ट इट हैज मल्टीपल एडवांटेजेस बट एट द सेम टाइम इट हैज सम लिमिटेशन एज वेल एंड वन ऑफ द लिमिटेशन जो ऑलमोस्ट uh, हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है फाइल करप्ट हो सकती है फाइल जैसे ही करप्ट होगी या कैड आपका बंद भी हो सकता है तो वो हम विद पैसेज ऑफ टाइम जब आगे जाएंगे तो बैकअप के तरीके भी हम देखेंगे दो वी कैन हम इन लिमिटेशंस को कम कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन मेथड, बट बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशन और इनिशियली जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो उस वक्त विल टेक सर्टेन टाइम बट वंस फॉर एग्जाम्पल यू आर यू आर डन विद योर बेसिक डाटा एंट्री बेसिक डिजाइनिंग उसके बाद जो इसके आउटपुट्स, इसके डिस्प्ले आपको नजर आएंगे वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे जैसा कि दिस इज वन ऑफ दी डिस्प्ले आपके सामने आपको ये कैड का घर नजर आ रहा है हम बात कर रहे थे ऑटोडेस्क विच इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कैड सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑटो कैड नहीं है बट हैविंग है डिफरेंट सॉफ्टवेयर एज वेल जिसके अंदर आपकी कैड है थ्री डी मैक्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इसको भी हम यूज करेंगे आगे जाके थ्री डी मैक्स के कोई सर्टेन टॉपिक्स भी हमारे लेक्चर्स में जब आएंगे देन रिवर्ट इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलरली डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर पाइलिंग के अंदर फाउंडेशन के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं एंड देन ऑटो कैड मैप ये रिसेंटली ऑटोडेस्क का एक इन्वेंटेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इन्होंने स्पेशल प्लानिंग एक ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम कुछ एक नए सॉफ्टवेयर को और कैड को आपस में कंबाइन किया है और इसका जो स्टूडेंट और फ्री वर्जन है दैट इज अवेलेबल इन नेक्स्ट टॉपिक जब हम अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे उस क्रिएशन के अंदर हम uh, जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो विल देन विल बी एबल टू डाउनलोड डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटो कैड फाइनली इस टॉपिक के लास्ट सेक्शन की तरफ मूव कर दें डेट इज प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स कैड के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं हम बहुत सारे इन फर्दर टॉपिक्स के अंदर दो से तीन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे भी सही फिलहाल हम इन जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन से ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम कैड के यूज करते हुए बना सकते हैं तो ये अगर आप सामने देखें तो आपको सामने एक बेसिक हाउस प्लान थ्री टू फाइव मरला जिसका साइज़ है ये आपके सामने विजिबल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल रूम का हमने उसकी पार्टीशन हैं उसका आपको सेहन नजर आ रहा है देन ड्राइंग रूम बेडरूम तो ये एक बेसिक सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट जो कैड के अंदर हो सकता है वो ये है अगर हम इससे आगे मूव करें थोड़ा सा आप फर्दर यहाँ पे आपको अलॉन्ग विद टू आप थ्री भी देख सकते हैं जो कि हम कैड के अंदर फर्दर जाके आगे बनाते हैं कैड के अपने अंदर भी थ्री का फीचर अवेलेबल है बट जब हम आगे मूव करेंगे तो थ्री डी मैक्स के अंदर भी वी कैन इम्पोर्ट कैड फाइल्स तो ये हमारे पास जो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है इसके अंदर कैड टू डी भी अवेलेबल है एंड उसी टू डी को अगर इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू थ्री डी फर्दर ये सामने जो हमारे पास नेक्स्ट नजर आ रहा है दिस इज अ डिजाइनिंग ऑफ अ हाउसिंग स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आगे जाके हम डिजाइन करेंगे इस टाइम स्कीम हर सिटीज के अंदर आप देखेंगे हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं तो ये हाउसिंग स्कीम इस तरह के मैप्स आप पहले भी शायद गो थ्रू किया हो तो ये एक हाउसिंग स्कीम जो है दिस इज बींग डिजाइन यूजिंग कैड जस्ट टू समराइज माई लेक्चर आज का जो टॉपिक था दैट वॉज इनिशियली ओवरऑल हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव इवेलुएशन ऑफ कैड कहाँ कहाँ हुई है हमने एडवांटेजेस देखे एप्लीकेशन देखी एंड लास्टली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे सो थैंक यू फॉर बींग विद एंड अल्लाफि